हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और मैं इस वक्त हूँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश के बारे में कुछ खास जानकारी दूंगा आपको, बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, अभी ऋषिकेश में हूँ और आप जैसे पहचान ही गए होंगे। खूबसूरती देखिए आप, यह है राम झूला। राम झूले पे देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस वक्त शाम का वक्त है और पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है अभी, तो आइए आप। यह है राम झूला, और जैसे ही नाम से लग रहा झूला, तो झूलने वाला ब्रिज है ये। हवा में झूल रहा है और वायर के सहारे। आप इस पे चलेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा झूलते ही हैं, जैसे कि आप हवा में झूल रहे हैं। काफ़ी हिलता है पुल जब हम इस पे चलते हैं। देखिए आप नज़ारा, और ऊपर वायर पे लाइटिंग हुई है। पूरे गंगा पे बना है ये, उस तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। और पैदल का ही है, बीच में आपको जानवर मिल जाएंगे। और लोग पहले बाइक से भी जाते थे, लेकिन वो लक्ष्मण झूला पे है। लक्ष्मण झूले के बारे में आपको एक जानकारी दूंगा। राम झूला इस टाइम खुला है, लेकिन लक्ष्मण झूला जो है बंद है। मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा। तो लक्ष्मण झूला इस टाइम बंद है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। रिपेयरिंग क्या, नया ही बन रहा है, ऊंचा करके बनेगा वो, काफ़ी बड़ा ब्रिज बनेगा नया। तो आप नज़ारा देखिए गंगा जी का, और ब्रिज पे हम चल रहे हैं अब दूसरी तरफ। उस तरफ भी आपको दिखाएंगे, घाट है बने हुए। नीचे ब्रिज से उतर के जब किनारे पे जाएंगे तो वहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने के लिए अगर आपको सबसे अच्छी जगह जाना है ऋषिकेश में, तो वो है त्रिवेणी घाट। आप यहाँ से ऑटो पकड़िए या जहाँ भी आप रुके हैं। सुबह के टाइम जा रहे तो आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट के बीच में है। सुबह मार्केट नहीं खुलती, तो आप सवेरे सवेरे तो वहाँ पे जा सकते हैं, गाड़ी से पार्क करिए। और लेकिन आप अगर दोपहर में या शाम में जा रहे हैं तो आपको ऑटो लेके ही जाना सही रहेगा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है। और त्रिवेणी घाट जाके स्नान करें, बहुत अच्छा घाट है। बाकी यहाँ भी आप शाम को तो वैसे ज़्यादातर भीड़ यहीं पे रहती है, राम झूला या लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला आजकल बंद है, तो इसीलिए राम झूले पे ही आए सीधे। लक्ष्मण झूले पे जाके परेशान ना हो, क्योंकि आप गाड़ी से जाएंगे तो वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, पार्क करके फिर जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर वापसी आपको आना पड़ेगा। और ऑटो से जाएंगे तो ऑटो से काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है लक्ष्मण झूले के लिए। और आप जाके वहाँ देखेंगे तो वो बंद है, तो इसीलिए वहाँ जाके परेशान ना हो। तो यही खास बात है, का ध्यान रखें। अगर आपको और भी कहीं ऋषिकेश में घूमने के लिए, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप नीर वाटरफॉल जा सकते हैं जो बद्रीनाथ हाईवे पे ही है। ऋषिकेश क्रॉस करके जैसे जाएंगे तो आप 1-1.5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेके आप ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ जाइए। बोर्ड लगा है वहाँ पे नीर वाटरफॉल का, और आप नीलकंठ बाबा के दर्शन भी करने जा सकते हैं। यहाँ से 28-30 किलोमीटर है, आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं और जो शेयर टैक्सी हैं वो भी जाती हैं, जो 100 या 150 रुपये में आपको वहाँ पहुँचा देगी। वहाँ दर्शन करके आप आ सकते हैं। लेकिन आप ऋषिकेश में रुके हैं तो शाम के टाइम यहाँ पे ज़रूर आएँ, शाम को बहुत बढ़िया नज़ारा रहता है। यहाँ आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू है, और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। गंगा जी में लोग दीपदान भी करते हैं यहाँ पे घाट पे किनारे पे आके।
और अब हम आ चुके हैं वापसी में उसी तरफ, और यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर में आप दर्शन कीजिए जब यहाँ आए। और ये साइड की मार्केट है दोनों तरफ, और ये है लक्ष्मण झूला जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था। ये देखिए अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे ऊंचा करके बना रहे। पहला ब्रिज जो देख रहे हैं आप नीचे है, ये देखिए पहला ब्रिज है और ये ऊंचा करके बना रहे हैं इसको। लक्ष्मण झूला तो बंद है बराबर में, और व्यू देखिए यहाँ पे कितना शानदार है दूसरी साइड में। बाकी आप सुंदर नज़ारा देखिए देखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।